मोडल्स, दिस इज कॉल्ड आल्सो मोडल्स, इनको मोडल्स भी कहा जाता है एंड दिस इज यूज फॉर आर शो एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। हमको क्या दिखाते हैं एबिलिटी यानी कोई काम करने की क्षमता या संभव, उसका संभावना क्या होती है उसके बारे में बताता है। यूजेज ऑफ कैन, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कैन और कैन नॉट के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास। लेट्स स्टार्ट यूजेज ऑफ कैन। फर्स्ट कैन इज यूज फॉर एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। सबसे पहले आपको कैन क्या बताता है, कोई काम करने की क्षमता यानी हम उस काम को करने में सक्षम है या नहीं है, और पॉसिबिलिटी यानी संभावना यानी उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में हमको बताता है कौन, कैन यानी सकना, जिसकी हिंदी होती है सकना, ये कोई काम हम कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में कैन। वी कैन डू दिस वर्क, वी कैन नॉट डू दिस वर्क, तो हम उसका यूज करेंगे कैन का। लाइक इसका आई कैन स्विम यानी मैं तैर सकता हूँ। आई कैन, कैन मीन्स सपना यानी प्रेजेंटली जो हम कोई कार्य कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे हम कैन का यूज करते हैं, क्योंकि वो हमको क्या बताया करने की क्षमता यानी उस कार्य को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लाइक इस टाइप सेकंड आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, तो ये क्या है क्षमता बता रहा है हमको, हमारी एबिलिटी बता रहा है कि हम उस कार्य को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट। सो लेट्स वी डू दिस सेकंड। कैन इज ऑल्सो यूज फॉर परमिशन। अब कैन का यूज परमिशन यानी आज्ञा देने के लिए भी कैन का यूज होता है। कोई काम को हम करने के लिए पूछते हैं किसी से तो हमको क्या करता है, अगर परमिशन देता है उसको करने के लिए तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं उस कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यू
not. We can write that किसका है कि short form is used for do not have the ability. ये किसका इसका cannot का use कहाँ होता है? जहाँ पर हम ये बताते हैं कि ability यानी उस कार्य को करने की क्षमता नहीं है. तो उसके लिए हम can't का use करते हैं. और like this type of sentence I can't swim. ये कि मैं तैर नहीं सकता. तो पहले यहाँ पे क्या था? Can था. तो can का क्या हो गया? Can't. यानी जो हम negative चीज़ के लिए बोलेंगे किसी काम को नहीं कर सकने के लिए तो क्या बोलेंगे? Can't swim. I can't swim यानी मैं नहीं तैर सकता. And second I can't read English, मैं English नहीं पढ़ सकता. तो can का था क्या था? Affirmative यानी सकारात्मक रूप में था. और ये क्या हो गया? Negative रूप में हम इसको बोलेंगे तो can't का use हो जाएगा. हम उस कार्य को नहीं कर सकते यानी उसको कार्य करने की ability नहीं है. उसके लिए can't का use होगा. Can't is used also used for the do not have the permission. अब can't का use कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पर किसी कार्य को करने की permission हमको नहीं दी जाए या आज्ञा नहीं दी जा रही तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? Can't का use कर सकते हैं उसको negative way में. You can't use my pen. तुम मेरा pen use नहीं कर सकते हो. You can't do my work. तुम मेरा काम नहीं कर सकते हो. You can't go there. You can't do this. तो जिसका भी हमको negative sentence के लिए use करना है तो can not का use कर सकते हैं. और can not की full form में लिखेंगे हम क्या करेंगे? अब इसके short form में लिखेंगे can't. और इसको can't भी बोलते हैं और can't भी बोलते हैं. तो ये दोनों pronunciation right है. आप इसमें क्या करेंगे? Subject कोई रहेगा can की तरह. I, you, we, they, he, she, it. और क्या हो जाएगा? कि can not हो जाएगा. can यानी can plus not. उसको हमने साथ में short form में लिखा है और verb वैसे ही आएगा. सिर्फ आप negative sentence बनाने के लिए not का use हो जाएगा. ओके तो अब हम इसका भी यूज कर सकते हैं. आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. यू कैन नॉट प्ले. दे कैन नॉट प्ले. ही कैन नॉट प्ले. ही कांट प्ले. शी कांट प्ले. इट कांट स्पीक इंग्लिश. लाइक दिस टाइप वी कैन यूज द कांट इन एनी टाइप ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड विद दिस वर्ब. हम इस वर्ब का सब्जेक्ट का यूज कर सकते करके हम क्या कर सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं कांट का यूज करके. अब इसके अंदर भी क्या होगा? यहाँ पर सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें कांट का यूज करेंगे. लाइक दिस टाइप आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. अब इसको फुल फॉर्म में लिख के हम क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आई कांट स्पीक इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ. यू कांट राइड अ बाइक. तुम्हें बाइक नहीं चला सकते हो. ही कांट ड्राइव अ कार. वह कार नहीं चला सकता है. और शी कांट प्ले अ गिटार. वह एक गिटार नहीं बजा सकती. और इट कांट स्विम. वह नहीं तैर सकता है. नहीं, ये नहीं तैर सकता है. अब इसका प्लूरल यूज करेंगे हम कांट का. तो इसी तरह से हम बना सकते हैं वी कांट प्ले फुटबॉल यानी हम फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं. यू कांट सी द स्टार. तुम तारे नहीं देख सकते हो. और दे कांट डांस यानी वह डांस नहीं कर सकते. तो इस कैन नॉट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं. वी कैन यूज द कैन नॉट इन द क्वेश्चंस रिक्वेस्ट परमिशन इन आल्सो. अब हम इनका क्या कर सकते हैं? कैन का जो यूज है मॉडल्स का हम क्वेश्चन मेकिंग में बना सकते हैं. रिक्वेस्ट के लिए बना सकते हैं. परमिशन के लिए बना सकते हैं. तो क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम? इसमें जो ये कैन है उसका यूज हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर हम क्या करेंगे? उसका कैन का यूज करेंगे. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक द क्वेश्चन आल्सो विद दिस सब्जेक्ट दिस द कैन एंड कैन नॉट. लाइक दिस टाइप कैन आई टेक योर पेन. क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन भी बना सकते हैं कैन का यूज करके. और रिक्वेस्ट कैन आई टेक योर बुक. क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ? तो इस तरह से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. कैन यू डू माय वर्क. क्या तुम मेरा काम करोगे? तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम? मेकिंग द क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम द यूजिंग कैन वर्ड. ओके दिस इज अ वेरी यूजफुल सब्जेक्ट एंड वेरी यूजफुल टॉपिक फॉर दिस इंग्लिश ग्रामर फॉर योर क्लास. एंड यू कैन मेक द मेनी सेंटेंसेस लाइक दिस टाइप इन अफर्मेटिव वे एंड इन द नेगेटिव वे. तो आपको क्या करना है? इसी तरह से आपको इन सारे सब्जेक्ट को इन सारे वर्ब को और यूज करते हुए और इस तरह से कैन को यूज करते हुए और कैन मोड को यूज करते हुए आपको अपने नोटबुक में क्या करना है? एक सेंटेंस को बनाना है. एक 10 सेंटेंस आपको क्या करना है? अफर्मेटिव बनाने हैं और 10 सेंटेंस के नेगेटिव बनाने हैं. उसी वर्ब का यूज करते हुए आपको क्या करना है? उसको नेगेटिव वे में बनाना है. लाइक दिस टाइप यू कैन नॉट डू माय वर्क. अब ये क्या हो गया? इसमें नेगेटिव हो गया. पहले हमने क्या किया था? यू कैन डू माय वर्क. तुम मेरा काम कर सकते हो. तो पहले अफर्मेटिव बनाया था. उसी को हमने क्या कर दिया? कांट का यूज करके हमने
नेगेटिव बना दिया है। अब ये देखो, यू कांट यूज माई पेन, अब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको हमने पहले अफर्मेटिव बनाया था, यू कैन यूज माई पेन, तो मेरा पेन यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से यू कैन मे मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस नेगेटिव टाइप, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन डू माई वर्क, आई कैन सी दिस, आई कैन सी द स्टार, आई कैन प्ले द फुटबॉल, आई कैन डांस। तो आप इन सब का कैन का यूज करके क्या बना सकते हो, मेनी सेंटेंस यू कैन मेक। एंड कैन नॉट का यूज करके आप क्या बना सकते हो, नेगेटिव टाइप के सेंटेंस बना सकते हो जिसमें कि कांट का यूज कर सकते हो। आप कैन और कैन नॉट इनके अपने मॉडल्स हैं, दोनों मॉडल्स हैं। और कैन को हम क्या करते हैं, एबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए यूज करते हैं। कैन नॉट का यूज हम जहाँ पर दे हैव नो एबिलिटी एंड नो गिव द परमिशन, जहाँ पर उनको परमिशन नहीं दी जाती है या फिर क्षमता नहीं होती है उस कार्य को करने के लिए, तो हम कांट का यूज करते हैं, जिसको कि कैन नॉट। तो फुल फॉर्म को ना लिखे हम कैसे लिखेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कांट। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। और यू कैन मेक द मेनी सेंटेंसेस लाइक दिस, लाइक ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। यू हैव टू डू दिस टॉपिक एंड टू मेक द सेंटेंसेस लाइक दिस लाइक इन योर नोटबुक। थैंक यू। भूल जाती हूँ।